हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं वीके शर्मा, गुरुकुल कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के सेशन। तो चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया प्रहलाद जोशी ने। प्रहलाद जोशी वर्तमान में केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री है। जब बात सत्यभामा की आए तो खनन और खनिज क्षेत्र में गुणात्मक और नवीन अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? तो ये किया है मैपिलरी ने। किसने किया? मैपिलरी। जब बात फेसबुक की आए तो फेसबुक की स्थापना सन 2004 में हुई थी और हेडक्वार्टर की बात करें तो कैलिफोर्निया USA के अंदर है। और जब बात CEO की आए तो मार्क जुकरबर्ग जी इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केन्या ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में अफ्रीकी सीट जीती है? तो ये किसको? जिबूती को। किसको? जिबूती को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी सीट जीती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात आए तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क USA के अंदर है और इसके टोटल सदस्य देश हैं 193। वर्तमान में अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना स्टार्ट की है? तो ये किसने स्टार्ट किया? ये त्रिपुरा राज्य ने स्टार्ट किया। तो ये क्यों स्टार्ट किया? इसका उद्देश्य है छात्रों को ऑडियो और वीडियो के साथ SMS और WhatsApp के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और जब बात त्रिपुरा की आए तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। क्या है? अगरतला। और विपल कुमार देव इसके क्या है? CM है। और जब बात गवर्नर की आए तो रमेश बैस जी इसके क्या है? गवर्नर है। और जब बात पड़ोसी राज्यों की आए तो असम और मिजोरम इसके पड़ोसी राज्य और पड़ोसी देश इसका एक है बांग्लादेश। सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीट है इसकी 2 और राज्यसभा की सीट है इसकी 1 और विधानसभा की सीटों की बात करें तो 60। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट मिल गया? तो किसको मिल गया? इसरो को। इसरो की वे बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम। किसका? भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। संस्थापक है विक्रम साराभाई और अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान हमारे अध्यक्ष है K7 जी। कौन? K7 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना है? तो ये चुना है अनुष्का शर्मा को। ये कौन है? ये एक भारतीय अभिनेत्री है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और आपको पता है योग दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस मनाया जाता है 21 जून को। किस स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है नागालैंड स्पोर्ट्स अकादमी के लिए। तो ये कहाँ है? तो ये दिमापुर में स्थित है। कहाँ? नागालैंड के अंदर दिमापुर में स्थित है। ADB के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो ये रहेगी 0.1%। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी।
हेडक्वार्टर की बात करें तो फिलीपींस मनीला के अंदर है और इसके टोटल सदस्य देशों की बात करें तो 68 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु कावेरी नदी जलवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है। जो कावेरी नदी जलवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों, गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।